नाउ अभी हम लोग सीखेंगे कि परफेक्ट साइड सिटअप्स कैसे करना है। ओके देखो, पैर में इस तरह से डिस्टेंस रखना है जो शोल्डर से भी ज्यादा रहे। ओके नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट हियर, अगर मैं एक साइड पे बैठ रहा हूँ, मान लो मैं इस तरफ बैठ रहा हूँ, ध्यान रहे कि इस पैर का हील नीचे है, कंपलसरी इस पैर का हील नीचे रहना चाहिए, ये नहीं बाहर गया है, जो पैर सीधा है उस पैर का नीस स्ट्रेट है और पैर के फिंगर्स जो है इस पैर के फिंगर्स ऊपर है, ये नहीं सीधा, पैर के फिंगर्स ऊपर। ध्यान रहे मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, इस पैर का हील जो है वो नीचे चाहिए और नी बाहर की तरफ। ये करने के बाद ये वाले थाइस के यहाँ पर पूरा स्ट्रेच होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रेच आपको फील होगा। फिर हम लोग ऊपर आते हैं, अभी सी यहाँ पे मैं ऊपर आ रहा हूँ, सो ताकत थाइस से लगा, दिस पावर थाइस से लगनी चाहिए, थोड़ा दर्द होगा, होने दो। सी अभी फिंगर्स वापस इस तरफ ही पॉइंट आउट है और मैं इस तरफ बैठ रहा हूँ, ओके ये जो नी है वो बाहर की तरफ गया, ये नी सीधा हो पाया, फिंगर्स ऊपर, वापस मैं ऊपर आ रहा हूँ, राइट। इस तरह से आपको साइड सिटअप्स करना है, फिर से एक बार देख लो, दिस देखो यहाँ पे वापस एक साइड पर मैं बैठ रहा हूँ लाइक दिस, ये नीचे है, मैं जब साइड चेंज कर रहा हूँ तो नीचे से डीपली चेंज योर साइड। ये करते हो पैर को दरी फिक्स रखना है, उसकी जगह वापस चेंज नहीं करनी। देखो मेरा पैर एक जगह पर रहता है, राइट। सो डू दिस विद मी 10 काउंट स्लोली, 1 चेंज साइड, थोड़ा दर्द होगा होने दो, 2 3 4 5, देखो यहाँ पे नी सीधा, 6 7 8, सी नी स्ट्रेट एवरी टाइम, ये नी बाहर गया ही नीचे, 8 9 and 10, 10 मिनट, ओके, और इस तरह से रुकना है।